माइकल फेल्प्स एक अमेरिकन स्विमर है। वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ओलंपियन है क्योंकि उन्होंने अकेले इतने मेडल्स जीते हैं जितना कि बहुत से देश इंक्लूडिंग इंडिया ने ओलंपिक्स के 112 वर्षों में नहीं जीते। इनके अचीवमेंट्स में शामिल है 28 ओलंपिक मेडल्स जिनमें से 23 गोल्ड हैं। उन्हें रियल पॉपुलैरिटी तब मिली जब फेल्प्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में स्विमिंग के सारे फॉर्मेट्स में 8 गोल्ड्स जीतकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। तो आज जानते हैं माइकल फेल्प्स के सक्सेस के पीछे के 4 सीक्रेट्स। सो दिस इज द माइकल फेल्प्स वे। नंबर 1, इनसेन वर्क एथिक। माइकल फेल्प्स के कोच बॉब बोमन की एक फिलॉसफी थी, डू व्हाट अदर्स कांट और व्हाट अदर्स वोंट। इसका मतलब सिंपली ये है कि कुछ ऐसा करो जो शायद ही कोई सोच पाए या कर पाए। कई स्पोर्ट्समैन हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं और 2 दिन रेस्ट करते हैं, या 6 दिन प्रैक्टिस करते हैं और 1 दिन ऑफ लेते हैं। बट माइकल फेल्प्स अपने टूर्नामेंट्स के लिए रोज प्रैक्टिस करते थे। 2008 बीजिंग ओलंपिक से पहले उन्होंने 5 साल लगातार प्रैक्टिस की। कोई हॉलीडेज नहीं, कोई ब्रेक्स नहीं, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। उन 5 सालों के दौरान उन्होंने सिर्फ 3 दिन का ब्रेक लिया, एक दिन जब स्नो स्टॉर्म था और वो ड्राइव नहीं कर सकते थे, और 2 दिन जब उनका विजडम टूथ निकाला गया था और वो बहुत दर्द में थे। देयरफॉर उन्होंने 5 ईयर्स 365 डेज लगातार प्रैक्टिस की, तब जाकर वो 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल्स जीते। इसे कहते हैं डूइंग व्हाट अदर्स कांट और व्हाट अदर्स वोंट। नंबर 2, विन। कोच बॉब बोमन की एक और फिलॉसफी थी विन, जिसका फुल फॉर्म है व्हाट्स इम्पॉर्टेंट नाउ। यू नो, ऐसा कई बार होता है कि हम अपने इम्पॉर्टेंट टास्क टाल देते हैं ये सोचकर कि आज मन नहीं कर रहा, आज ये प्रॉब्लम हो गई, मेरा मूड नहीं है, एसेट्रा एसेट्रा। बट बॉब बोमन ने माइकल फेल्प्स को ये सिखाया कि हालात जैसे भी हो, मन जैसा भी हो, हमें अपने टास्क कंप्लीट करने ही हैं। That is do what's important now। चाहे आप कितना भी बुरा क्यों ना फील कर रहे हो, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो, इट जस्ट डजंट मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है एंड नो एक्सक्यूजेस व्हाटसोएवर। नंबर 3, डोंट लेट फेलियर होल्ड यू डाउन। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के 2 साल पहले उनके राइट हैंड की कलाई फ्रैक्चर हो गई थी, और डॉक्टर्स का कहना था कि अब वो अपने हाथ का इस्तेमाल उस रफ्तार से नहीं कर पाएंगे जैसा कि वो पहले करते थे। बट वो नहीं घबराए एंड उन्होंने बोला कि मेरा हाथ फ्रैक्चर्ड है तो क्या हुआ, मैं पैर से स्विमिंग करूँगा। और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। इमेजिन, इस प्रॉब्लम के बावजूद वो 8 गोल्ड मेडल्स लेकर आए। और तो और, इसी टूर्नामेंट के 200 मीटर बटरफ्लाई रेस के दौरान उनके गॉगल्स टूट गए थे, और लगभग 75 मीटर्स कवर करने के बाद उनके गॉगल्स के अंदर पानी भर चुका था और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बट फॉर्चुनेटली वो ऐसे सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड थे। ट्रेनिंग के थ्रू उन्हें पता था कि उन्हें नॉर्मली 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने बटरफ्लाई स्ट्रोक्स लगाने पड़ते थे। देयरफॉर उन्होंने स्ट्रोक्स काउंट करके बाकी के 125 मीटर कवर किए। जब रेस ख़त्म हुई और वो बाहर आए, तब स्क्रीन पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हो चुका था जो और किसी ने नहीं बल्कि माइकल फेल्प्स ने अचीव किया था। एंड फाइनली नंबर 4, गोल सेटिंग। माइकल फेल्प्स सिर्फ 8 साल के थे जब उन्होंने अपनी पहली गोल शीट बनाई। मज़े की बात तो ये है कि उन्होंने उस शीट में सिर्फ गोल्स नहीं लिखे बल्कि अपने लिए एक एक्शन प्लान भी बनाया कि वो उन गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। उन्होंने उस गोल शीट में लिखा था कि उन्हें ओलंपिक्स में जाना है, प्लस उन्होंने डिफरेंट रेसेस के लिए स्पेसिफिक टाइम टारगेट्स भी मेंशन किए थे कि उन्हें ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए वो टारगेट्स अचीव करने हैं। इमेजिन, 8 साल की उम्र में उनके अंदर इस लेवल का डिटर्मिनेशन था। अपने पूरे स्विमिंग करियर में वो हर बार अपने लिए गोल्स लिखते और उसे अपने नाइट स्टैंड के पास रखते ताकि वो हर सुबह माइकल को उनके पर्पस की याद दिलाए और उनका फोकस बनाए रखे। तो ये थे माइकल फेल्प्स के सक्सेस सीक्रेट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।
कमेंट करके बताएं कि क्या आपने कभी किसी भी चीज़ के लिए लगातार विदाउट एनी ब्रेक्स मेहनत की है। अगर हाँ तो कितने दिनों के लिए। वी विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज। एंड जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फन.ट्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।